غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद हजरत को किसी ने हानली बाजार में बड़ी मक्कारी से जहर दिया। कौन ऐसा कर सकता है? इतनी जरूरत है, इसे माफ नहीं करेंगे। अगर हमारे सरदार को रिहा ना किया तो याद रखना, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। इन सारे इलाकों का पूरा इंतजाम जिसकी अमानत में सौंपा है मैंने, और तुमने उस पर इल्जाम लगाकर जिंदान में डाल दिया उसको। सुल्तान मुअज्जम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। सिपाही और मैं भेस बदल कर आपका सराय से बाहर जाएंगे। सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ हानली बाजार से कहीं रवाना हो गया है। क्या तुम सुल्तान को अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकते वेसिलियस? फिर मुलाकात हो गई हमारी। और तुम फिर भाग जाओगे वेसिलियस? तो तुम अपने सुल्तान को मेरे इलाके की सैर करा रहे हो? हाँ, ये तो मेरी किस्मत थी कि तुम दोनों साथ ही मिल गए मुझे। तुम सुल्तान को अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकते वेसिलियस। मेरे साथ सिपाहियों हमला करो। कर जाल बिछाते हो, अब मैं बताता हूं हमला कैसे करते हैं। आ, 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 आ,
घिर चुके हैं, हम घिर चुके हैं। चलो जवानों, हक है अल्लाह। अर्थुरुल, आज या तो तुम जिंदा रहोगे या क्या मैं अंदर आ सकता हूं हलीमा सुल्तान? आ जाइए आरतुक भाई। अर्तुरुल साहब की तरफ से कोई खबर? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे सुल्तान शिफायाब हो गए। अल्लाह तेरा शुक्र। उनका सबसे पहला हुक्म भाई को अमीर सादेद्दीन के शर से आजाद करवाने का था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहां है अर्तुरुल? सराय में। वो अपने बहादुर जंगजुओं के साथ वैसिलियस को उसके अंजाम तक पहुंचाने में बरसरे पैकार है। सुल्तान मौजम की हिफाजत के लिए हमें चावदार कबीले के जंगजुओं के साथ हानली बाजार बुलाया गया है। दुंदार साहब के साथ हम अपने जंगजुओं को भी सुल्तान की हिफाजत के लिए भेजेंगे। जल्दी कीजिए दुंदार भाई, सुल्तान की हिफाजत बहुत जरूरी है। अल्लाह आपका मददगार हो। कबीला आपकी जिम्मेदारी है आरतुक भाई। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए दुंदार साहब। हिफाजत कर यार।
तुम्हारी भयानक मौत का वक्त आ गया है वजीर। बेशक मार दो मुझे, लेकिन हमारी सल्तनत हमेशा हमेशा कायम रहेगी अर्तुरुल। दावत की मदद है। जवानों, भाई, भाई, भागो यहां से। सरदार की हिफाजत करो, सब बचाओ करो अपना। बंदी अब्दुल रहमान, भाई आप ठीक तो हैं? तुरगुत, इस तीर को खींचो बाहर। भाई इसे खींचा तो खून बहना शुरू हो जाएगा। इस तीर को निकालना होगा तुरगुत, वरना वसीलियस दोबारा भाग जाएगा। जल्दी अमीर हजरत, मैंने अपने सिपाहियों को वेसिलियस को बचाने भेज दिया है। अर्तुरुल को मारे बगैर वो वापस नहीं आएंगे। तुम्हें अपने सिपाहियों पर भरोसा तो है ना जाबिर? वो मेरे हुक्म पर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन हमें मायूस नहीं करेंगे। आला आला, कोई मसला नहीं होना चाहिए जाबिर। तुम और तुम्हारे आदमी यकीनन कामयाब लौटेंगे इंशाल्लाह। मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। सुल्तान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं अमीर हजरत। ठीक है, अब जाओ। कमांडर निकोलस, बाजार की जासूसी करने वाले सिपाहियों ने खबर भेजी है। बताओ क्या खबर है? सुल्तान वहां से रवाना हो चुका है, लेकिन पहरा अभी भी सख्त है। लगता है जैसे उन्हें हमले का अंदाजा हो गया है।
सुल्तान अगर जा चुका है तो इतना सख्त पहरा किस लिए? कहीं सुल्तान के जाने के पीछे कोई साजिश तो नहीं? क्या हो सकता है? अर्तुरुल, उसने हमें धोखा दिया। जमींदार वैसिलियस और हमें अपने पीछे लगाकर। जानता था वो कि सुल्तान को मारने के लिए हम सराय पे हमला करने वाले हैं। बचा लिया उसने सुल्तान को। अब हमें क्या करना चाहिए कमांडर निकोलस? वैसिलियस के इंतजार के बजाय हम सराय पे हमला करेंगे। अर्तुरुल की तरफ से जमींदार वैसिलियस के लिए बिछाए गए जाल का उन्हें जल्दी इल्म हो जाएगा अमीर सादतीन, और जब उन्हें इल्म होगा तो वो हानली बाजार पे हमला कर देंगे। मैंने हिफाजती इकदामात कर लिए हैं सुल्तान मौसम। उस जानलेवा जहर के असर को जायल करने के लिए आपको आराम की जरूरत है। मैं अब ठीक हूं सादतीन। ठीक हूं मैं। मुझे दुश्मन से ज्यादा हमारे दरमियान मौजूद गद्दार की फिक्र लाहक है। सुल्तान मौसम, हम नहीं जानते कि आपको कब और कहां जहर दिया गया है। दो कबीलों के मेहमान बने थे आप। मुमकिन है कि ये मकरूह फेल आपके उन दौरों के दरमियान पेश आया हो। इंशाल्लाह हम जल्द मालूम कर लेंगे। मुझे लगता है कि गद्दार इसी सराय में मौजूद है। वो अगर यहां है तो अंजाम से नहीं बचेगा। मैं उसे जल्द तलाश कर लूंगा सादतीन। तुम ठीक हो जाओगे, खून बहने से रोकना होगा। मैं बांधता हूं इसे। बहुत शुक्रिया भाई। आ जाओ भाई। भाई 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 भाई, ये लोग कौन थे बंसी? उन बदबख्तों का कुछ मालूम नहीं हो सका भाई। दो को जहन्नुम वासिल कर दिया, लेकिन बाकी भाग गए। ये काफी माहिर तीरंदाज थे। पेश कदमी आसान नहीं होगी भाई। वैसिलियस दोबारा फरार हो गया। वो बुजदिल इंसान है भाई, हमें उसका ताकुब करना चाहिए। गुनकुत, दुमरुल, कपड़ा बांध लो जख्म पर और फिर जख्मी सिपाहियों को सराय ले जाओ। सुल्तान को सब बता देना जो कुछ यहां हुआ। जैसा आपका हुक्म भाई। बंसी, तुर्गुत, हम वैसिलियस का ताकुब करेंगे। दो जंगजू साथ ले लो अपने। आ जाओ तुम। जनाब, हमारे घोड़े उस तरफ। हम फरार हो रहे हैं अमाक। अर्तुरुल हमारे ताकुब में जरूर आएगा। आज सब खत्म हो जाएगा। या वो रहेगा या हम। ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी और उसके बाद सुल्तान की बारी है। उस तरफ चलो। चलो सिपाहियों। जंगजू मौजूद नहीं सराया साना दफे। दरिया की जानिब से सिपाहियों को हमला करना होगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। हमले के लिए तैयार हो जाओ।
कमांडर निकोलस, चावदार और काई कबीले के सिपाही आंधली बाजार की तरफ जाते हुए नजर आए। लानत हो उस मनहूस तुर्क पर, जब तक हमें उसकी चाल समझ आई कबीले के जंगजुओं को हिफाजत के लिए सराय भेज दिया। अब उनकी तादाद हमसे ज्यादा हो गई होगी जनाब, हमारा हमला कामयाब नहीं हो सकेगा। उन्हें हमारे यहाँ होने का इल्म हो गया तो वह हम पे हमला कर देंगे। आज हमारी फतह का दिन नहीं है कमांडर, जमींदार वैसिलियस की बाहिफाजत वापसी ही अब हमारी तरजीह है। अगर वो अर्तुरुल के जाल में फंस गए तो क्या होगा? हम नहीं जानते वो किस तरफ गए हैं। किले की हिफाजत अहम है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। तुर्कुत, बमसी, मोहतात रहना बहुत, वसीलियस अकेला नहीं है। वो तीर अंदाज जो भी थे, वसीलियस के साथ हम पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। आज उसका आखिरी दिन होगा भाई, उसका बिछाया हुआ ये आखिरी जाल उसे कब्र तक पहुंचा देगा। चलो एहतियात से। मुझे जहर दिए जाने के बाद क्या सूरत हाल रही अजीज, सब बताओ मुझे। अमीर सादतीन ने सरदार अर्तुरुल को हिरासत में ले लिया। आपकी दरखास्त पर सराय तशरीफ लाने वाले मोहतरम इब्नुल अरबी ने जब आपको जहर दिए जाने का सुना तो वो इलाज करना चाहते थे, लेकिन लेकिन क्या, रुक क्यों गए? अमीर सादतीन ने आपकी हिफाजत को अहम जानते हुए उन्हें हुजरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। यानी सादतीन मुझे उस नेक हस्ती से बचाना चाहता था। अगर सरदार अर्तुरुल के जंगजू इसरार न करते तो हजरत को जंगजुओं के हमरा बाजार से वापस जाना पड़ता। सुल्तान, मैंने अपनी हद से तजावुज किया, अमीर सादतीन का हुक्म ना मानते हुए मोहतरम इब्नुल अरबी को सराय में ले आया। अमीर सादतीन ने अर्तुरुल को हिरासत में क्यों लिया था, क्या कोई माकूल वजह बताई थी? उनका कहना था कि वो उन पर एतमाद नहीं करते। जब मौलिज आला जहर का तरियाक करने में नाकाम हो गए तो मैंने जोर दिया कि हजरत इब्नुल अरबी को आपका इलाज करना चाहिए। तुमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया अजीज, इत्मीनान रखो तुम। सुल्तान मौज़म, तुंदार साहब आए हैं, बुलाओ उन्हें। तुंदार साहब, सुल्तान मुंतजर हैं आपके। अर्तुरुल सरदार के हुक्म पर हम यहाँ आपकी हिफाजत के लिए आए हैं सुल्तान। काई और चावदार कबीले के जंगजू आपकी हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं सुल्तान। मुझे आप में बिल्कुल आपके भाई जैसी काबिलियत नजर आती है दुंदार साहब। अर्तुरुल सरदार की हिकमत दुश्मनों के दिलों पर हमारे लश्कर की हैबत तारी करके उसे कमजोर बना देगी सुल्तान मौसम। अर्तुरुल साहब फतेयाब लौटेंगे, इस बात का यकीन है मुझे। इंशाअल्लाह सुल्तान, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अब या तो वो रहेंगे या हम, आपकी रहनुमाई में हमारी रियासत खुद मुख्तार रहेगी। सुल्तान मौसम, अगर आपकी इजाजत हो तो हायमा खातून और असलेहान खातून भी आपसे मिलना चाहती हैं। बिल्कुल इजाजत है, बुला लीजिए।
हमले के लिए मुनासिब है। वो हमारे कदमों के निशानात का ताकुब करते हुए जरूर आएंगे। लेकिन जनाब, हम तादाद में कम है। उन तीरंदाजों ने यकीनन उनकी तादाद कम कर दी होगी। वो तीरंदाज कौन थे हम नहीं जानते जनाब, आखिर क्यों मदद की उन्होंने हमारी? वो जो कोई भी थे, उनका हमें बचा लेना ज्यादा अहम है। मुझे लगता है अमीर सादतीन ने भेजा था उन्हें। हमारी मदद इस वक्त अमीर सादतीन ही कर सकता था। वो क्यों करेगा? अर्तुरुल की ताकत को कम करने के लिए वो हमारी मदद करेगा। फैल जाओ, जाओ अपनी जगह पर, चलो। तशरीफ रखिए। जिस वक्त मैं मौत से नबर्द आजमा था, अमीर सादतीन ने आपके सिपाहियों को बाजार से निकालना चाहा। इसके बावजूद आप बहादुर खवातीन दूसरे तुर्क सरदारान के साथ यहां तशरीफ ले आईं। किसी भी हाल में सरदार अर्तुरुल और आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे हम। अल्लाह का शुक्र है कि आपका इलाज इब्नुल अरबी ने किया। अगर इब्नुल अरबी नाकाम हो जाते तो क्या होता? या अमीर सादतीन अर्तुरुल को मुरीद इल्जाम ठहराने से बाज ना आता तो क्या रद्दअमल होता आपका? उस वक्त हम वही करते जो हमें सही लगता सुल्तान मौजम। हमारी रियासत से वफादारी और हमारा ईमान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि अर्तुरुल साहब और आपको अमीर सादतीन के शक की भेंट चढ़ने देते सुल्तान मौसम। तारीख गवाह है कि सुल्तान की गैर मौजूदगी में सल्तनत के अमीरों के गलत फैसलों ने कई रियासतें तबाह और बर्बाद कर दी हैं। अगर आर्तुक साहब इब्नुल अरबी से आपका इलाज कराने पे इसरार ना करते और हम अमीर सादतीन की इस गलती के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद ना करते तो आज अमीर सादतीन और रियासत दोनों का खात्मा हो जाता। जिस शख्स से आपका निकाह होने वाला है, क्या आप भी उसकी मुखालफत में जा रही थी असलहान खातून? सुल्तान के तहफ्फुज़ की खातिर, अर्तुरुल साहब की खातिर, पूरी दुनिया की भी मुखालफत करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और अमीर सादतीन को मैं पहले ही मना कर चुकी थी। कोई खास वजह? आलियार भाई की वसीयत के मुताबिक उन्हें बता दिया है कि मैं कबीला छोड़ने की रवादार नहीं। इंतकाम पूरा होने के बाद भी, कारा जहसार के फतह होने के बाद भी, मैं अपना कबीला नहीं छोड़ूंगी और ये मेरा फैसला है। जाफदार के सरदार की मैं आखिरी औलाद हूं, कबीला नहीं छोड़ सकती मैं सुल्तान मौसम। मुझे हमेशा याद रहेगा कि सल्तनत की बका के लिए आप जैसी बहादुर खवातीन की कितनी ज्यादा कुर्बानियां हैं। आप न सिर्फ बहादुर जंगजुओं को जन्म देती हैं बल्कि उनकी परवरिश भी करती हैं और मैदान अमल में हमेशा उनके शाना बशाना बहादुरी के साथ खड़ी होती हैं। आप जैसी खवातीन हमारे माशरे का बहुत अहम सुतून है। अल्लाह सलामत रखे आपको। आजा अर्तुरुल, तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। कहां गया, कहां जाकर छुप गया वो पुस्तर इंसान? आखिर इतनी जल्दी कहां जा सकता है वो? क्या जमीन निकल गई उसे? भाई, मैंने दरिया के पास घोड़े देखे, वो घोड़े उन्हीं के थे। यही है वो अभी। थोड़े फासले से हमारे पीछे आओ तुम,
वसीली उसने यकीनन कोई जाल बिछाया हुआ है। जैसा आपका हुक्म भाई, जो हुक्म आपका। आ जाओ जवानो। हमारी मदद फरमा, मदद फरमा हमारी। कमांडर, क्या सूरत हाल है? अर्तुल ने हमें और वैसेलियस को जाल में फंसा लिया। ये क्या कह रहे हो तुम? वैसेलियस कहाँ है? नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? कमांडर निकोलस, जमींदार वैसेलियस के साथ गया हुआ एक सिपाही वापस आ गया है। लेकर आओ मेरे पास। जो हुक्म आपका। मुहाफिजो, कहाँ है जमींदार वैसेलियस? कहाँ है? जनाब, हमें घेर लिया था अर्तुरुल ने। उसके साथ जो शख्स था वो सुल्तान अलाउद्दीन नहीं था। जानता था मैं, लानत हो, मालूम था मुझे। हमला बिल्कुल अचानक था। उस हमले की वजह से जमींदार वैसेलियस की जान को खतरा हो गया था, लेकिन अचानक कुछ तीरंदाज वहां मदद के लिए पहुंच गए, वरना मारे जाते हम लोग। तीरंदाज? किसने भेजा था उन्हें? मैं नहीं जानता जनाब। इसका मतलब अर्तुरुल के खिलाफ सिर्फ हम ही नहीं खड़े हैं। कहाँ है इस वक्त वैसेलियस? मुझे मालूम है जनाब। सिपाहियों को रवाना करो फौरन। दरवाजा खोलो। तुम्हें अभी तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई निकोलस। वो तीरंदाज कौन थे तुमने जानना भी गवारा नहीं किया, हैरत है मुझे। दुआ करो कि वैसेलियस वापस आ जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो अर्तुरुल के लिए यह किला रेत की दीवार साबित होगा। अगर तुम इतना जानती हो तो खुद ही बता दो, कौन थे वो तीरंदाज आखिर? पूरी नहीं होगी वैसेलियस। सुल्तान, अर्तुरुल सरदार के जख्मी जंगजू बाजार पहुंच चुके हैं। उनमें से एक आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। बुलाओ उसे। बताओ क्या खबर है? सुल्तान मौज़म, हमने वैसेलियस और उसके सिपाहियों को काबू कर लिया था। जैसे ही अर्तुरुल भाई वैसेलियस को मारने वाले थे, कुछ तीर अंदाज वैसेलियस की मदद के लिए पहुंच गए। अर्तुरुल भाई तीर लगने से जख्मी हो गए थे। या अल्लाह, उसकी मदद फरमा मेरे मालिक। कौन थे वो तीरंदाज? ये तो हम नहीं जान पाए सुल्तान मौज़म,
लेकिन हमारे सिपाही उनके ताकुब में गए हैं। अर्तुरुल साहब कहाँ है? वैसेलियस फरार हो गया था। अर्तुरुल भाई अपने सिपाहियों के साथ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गए हैं और मुझे हुक्म दिया था कि यह खबर मैं आप तक पहुंचाऊं। या अल्लाह, उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। इस बार मैं तुम लोगों को कामयाब होने नहीं दूंगा। अर्तुरुल दोबारा बच गया। कैसे बच गया वो? जाबिर, तुम जिन सिपाहियों की तारीफ कर रहे थे वो नाकाम हो गए। तुम्हें तो बहुत एतमाद था उन पर। वो सब हमारे लिए जान की बाजी लगा देंगे अमीर हजरत। अर्तुरुल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। वो उसे जान से मारे बगैर वापस नहीं आएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हर किसी को जान देनी है, जानते हो ना ये जाबिर। अगर वो ये काम ना कर सके तो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बला से वो सब के सब जिंदा दरगोर हो जाएंगे। अमीर हजरत, हम जानते हैं कि अर्तुरुल वैसेलियस को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया। उसके बहुत से जंगजू वापस भी आ चुके हैं। मुझे यकीन है कि मेरे आदमी कामयाब होंगे। लगता है तुम अर्तुरुल को अभी जानते नहीं हो जाबिर। सिर्फ एक मौका मिला था, अगर हासिल कर लिया होता तो यह काम मुकम्मल हो जाता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अर्तुरुल इकदाम कर चुका होगा। दुआ करो कि वो उनमें से किसी को जिंदा पकड़ने में कामयाब ना हो पाए। जाओ अब। जालिमों का ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। हमारी सल्तनत, मजहब और अकदार के खिलाफ जंग की वो वैसेलियस आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गया। परेशानियों ने सादतीन को पैक के यहां आने के बाद सर उठाया है सुल्तान मौसम।
जमींदार वेसिलियस मर चुके हैं। ये औरत ही इस किले को बचा सकती है निकोलस। जो मैं कहती हूँ वो करो। अर्तुरुल किसी भी वक्त किले पर हमला कर सकता है। आज से इस सरजमीन के जिम्मेदार अर्तुरुल साहब हैं। और मेरी जानिब से मुकरर किए गए सरदार आला हैं।